हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम भाग, डिवीजन और गुणा, मल्टीप्लिकेशन की पहेलियों को हल करना सीखेंगे। बब्बन को अपनी नई दुकान से बहुत मुनाफा हो गया। अब बब्बन सोच रहा है कि वो मुर्गियां पालेगा। बब्बन ने 725 मुर्गियां खरीदी। मुझे इन मुर्गियों के लिए घर बनाना होगा। अगर हर घर में मैं 25 मुर्गियां रखूं, तो मुझे ऐसे कितने घर बनाने होंगे? बब्बन ने सोचा। बच्चों, क्या आप बब्बन की मदद कर सकते हैं? आप चाहें तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। हमें इस प्रश्न का हल ढूंढने के लिए भाग, डिवीजन की प्रक्रिया का इस्तेमाल करना होगा। हम इस तरह से 725 को 25 से भाग, डिवाइड करके इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। बब्बन को अपनी 725 मुर्गियों को रखने के लिए 29 घर बनाने होंगे। बब्बन ने अपनी मुर्गियों के लिए 29 घर बना लिए। बब्बन अपनी मुर्गियों का बहुत ख्याल रखता है। उन्हें हर रोज दिन में 2 बार दाना भी डालता है। एक हफ्ते बाद बब्बन ने देखा कि उसकी मुर्गियों ने ढेर सारे अंडे दिए हैं। उसकी हर मुर्गी ने 6 अंडे दिए हैं। मेरी हर मुर्गी ने 6 अंडे दिए हैं। तो अब मेरे पास कुल कितने अंडे हैं? बब्बन ने सोचा। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि बब्बन के पास कुल कितने अंडे हैं? आप चाहें तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर सोच सकते हैं। हमें कुल अंडों की संख्या का पता लगाने के लिए गुणा, मल्टीप्लिकेशन की प्रक्रिया का इस्तेमाल करना होगा। हर मुर्गी ने 6 अंडे दिए हैं, इसलिए कुल अंडों की संख्या ढूंढने के लिए हम 6 को 725 से इस तरह से गुणा, मल्टीप्लाई करेंगे। बब्बन के पास कुल 4,350 अंडे हैं। अरे वाह, मेरे पास 4,350 अंडे हैं। बब्बन बहुत खुश हो गया और उसने नई अंडों की दुकान खोलकर अंडे बेचना शुरू कर दिया। बच्चों, इस वीडियो में हमने भाग, डिवीजन और गुणा, मल्टीप्लिकेशन की पहेलियों को हल करना सीखा। अगले वीडियो में हम इसके कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे।